जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, देखिए पिछले 300 दिन लगभग हो चुके हैं जम्मू के सुरक्षित स्थानों पर अपने तबादले की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू भाई, जम्मू संभाग के आरक्षण श्रेणी के कर्मचारी लगातार जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, मगर सरकार इनको राहत देने की जगह इनको आर्थिक रूप से भी जो है तंग कर रही है। पिछले 6 से 7 महीने हो चुके हैं इनका जो है वेतन बंद कर दिया गया, इनको दबाव बनाया जा रहा है कि ये कश्मीर में जाकर जो है अपनी ज्वाइनिंग करे, यानी सरकार जो इनको बंधुआ मजदूर की तरह का ट्रीट कर रही है। हमारी सरकार से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपील है कि इनको बंधुआ मजदूर ना समझे, इनको राहत दी जाए। देखिए शिवरात्रि पर्व बहुत दिनों के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है, जिसको बहुत धूमधाम से हिंदू लोग मनाते हैं, कश्मीरी पंडित लोग मनाते हैं। तो सरकार से अपील है कि महाशिवरात्रि पर्व से पहले पहले इनका वेतन जारी किया जाए, इनको राहत दी जाए, सुरक्षित जगह पर इनका तबादला की जाए। देखिए इसके साथ ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई थी। उस समय जो 412-370 से पहले इनसे जो SRO 412-412 SRO जो लिया गया था, उनको भी जो है रद्द माना जाना चाहिए और इनका जो है एक तबादला नीति बनाई जाए। इसके साथ ही जो सरकार लगातार कुछ कश्मीरी पंडितों को, कुछ हिंदुओं को कश्मीर के अंदर भेजकर, मात्र कुछ हजार हिंदुओं को मैं तो कहूंगा, जिसकी तादाद 4000 से 4500 के बीच में है, लगातार ये दावा कर रही है कि हमने कश्मीरी पंडितों का जो है पुनर्वास कर दिया, जबकि 7 लाख के आसपास लोग यहाँ पर कश्मीरी विस्थापित हैं। तो मात्र कुछ हजार लोगों को जो है वहां पर पुनर्वास करने से या नौकरियां देने से तमाम कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास नहीं कहा जा सकता। ये खाली एक आर्थिक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर खाली कश्मीरी हिंदुओं को नहीं, सिख भाइयों को भी, मुस्लिम भाइयों को भी जो है नौकरियां दी गई थी। तो सरकार से हमारी अपील है, जनता को गुमराह करना बंद करे, जमीनी तौर पर इन कश्मीरी भाइयों को और हिंदू भाइयों को जो वहां पर कार्यरत हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत, उनको राहत दी जाए। जब तक कश्मीर के हालात नहीं सुधरते, इनको सुरक्षित स्थलों पर इनका जो है वो तबादला किया। देखिए 300 दिन के लगभग होने वाले हैं यहाँ जो कश्मीरी हिंदू भाई हैं, जो कश्मीर में कार्यरत हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, जिनको नौकरियां दी गई हैं। दूसरी तरफ जम्मू के डोगरा बिरादरी के लोग हैं, जो SC ST आरक्षण श्रेणी के कर्मचारी हैं जम्मू के, ये तमाम लोग जो है कश्मीर में जिनको नौकरियां दी गई थी, ये अपनी तबादले की मांग को लेकर पिछले बहुत दिनों से, लगातार पिछले 300 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार है कि इनको बंधुआ मजदूरों को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इनका पिछले 6 से 7 महीने हो चुके हैं कि इनका वेतन बंद कर दिया गया, यानी इनको मजबूर किया जा रहा है कि वापिस ये कश्मीर के अंदर जाएं, अपनी जान को जोखिम के अंदर डालें। देखिए एक तरफ तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई, अब जैसे ही धारा 370 हटा दी गई, हमारा मानना है कि सरकार ये भी माने कि इनके द्वारा जो SRO लिया गया था 412, जिसके अंदर इनको जो है इन्होंने शपथ पत्र दिया था कश्मीर में नौकरी करने का, उसको भी जो है रद्द किया जाना चाहिए और एक प्रॉपर तबादला नीति बनाई जाए।